हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अभी मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने गाड़ी खड़ी करके एक बात मेरे दिमाग में आई, मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं। दोस्तों, अभी चार धाम यात्रा चल रही है। 3 मई से गंगोत्री यमुनोत्री और 6 मई से केदारनाथ जी और 8 मई से बद्रीनाथ जी के पट खुले हैं। बहुत ज़्यादा रश चल रहा है क्योंकि मैं खुद होटेलियर हूँ ऋषिकेश में, मेरा अपना खुद का है, बाकी चार धाम में भी मेरे मार्केटिंग के होटल हैं। तो गंगोत्री यमुनोत्री में तो फिर भी रूम मिल जा रहे हैं, बद्रीनाथ में मिल जा रहे हैं, केदारनाथ में रूम नहीं मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा रश केदारनाथ में है और जो गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स करी है वो है 12,000 लोग पर डे। तो ये मैंने एक छोटा सा एडवाइजरी वीडियो बनाया है कि अगर आप अभी आपका प्लान बन गया है, आपकी टिकट्स बुक है, तब तो आप जाइए। अगर आप प्लान बना रहे हैं थोड़ा रुक जाइए, 15 जून के बाद का प्लान बना लीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मई जून में ही ट्रैवल करना, क्योंकि सन 2013 में 17 जून को आपदा आ गई थी केदारनाथ में। देखिए, आपदा किसी भी डेट में कहीं पे भी आ सकती है। 2013 के बाद से तो आपदा नहीं आई है केदारनाथ में। रहा सवाल सिर्फ मैदान में आपदा नहीं आती है, अगर आप बात करेंगे भुज में भूकंप आया था जनवरी के महीने, तो क्या जनवरी के महीने में भुज को लोग छोड़ के चले जाते हैं? एक बार हो गया आपदा तो रोड पे भी होती है। जब हम हाईवे पे चल रहे हैं रोज, जिस एक्सप्रेस वे पे आप चलते हो कम से कम 10 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता होगा, लेकिन उस पर आप हाईवे पे चलना नहीं छोड़ते। तो ये मत सोचिए कि 17 जून को आपदा आई थी तो हमको उसके पहले चले जाना है। पहली बात तो पहाड़ों की ब्यूटी रेंज में सबसे ज्यादा होती है। लोग जिससे डरते हैं मानसून में, डरते हैं कि भाई पहाड़ पे मानसून में नहीं जाना क्योंकि पहाड़ पे पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड होता है। पहली बात, ऐसा नहीं है। जैसे वहां का लैंडस्लाइड है वैसे यहां की भी आपदा है। कहीं भूकंप आता है, कहीं पे गाड़ी गिरती है, कहीं कुछ होता है। कई बार हमारी बिना गलती के भी दूसरी गाड़ी हमारी गाड़ी पे गिर जाती है। अभी रिसेंटली हुआ उत्तराखंड में, एक दो गाड़ी जा रही थी मेरे जंगली रिजॉर्ट के पास में ही पहाड़ पे, और एक घास का ट्रक ओवरटेक कर रहा था और उसका बैलेंस बिगड़ा, उन दो गाड़ियों पे गिर गया। भगवान की दया से कोई मरा नहीं, लेकिन चोटें आई लोगों को। अब उन गाड़ी वालों को क्या कसूर था? वो तो अपने बिल्कुल लेफ्ट साइड से जा रहे थे, उसके दिमाग में फितूर आया कि मैं ओवरटेक करूं और गिर गया। आपदा का कोई ठिकाना नहीं है। रहा सवाल जब पत्थर गिरने की बात बोलेंगे तो प्रशासन भी है, जब लैंडस्लाइड का चांस होता है तो प्रशासन ऊपर आपको जाने भी नहीं देता, क्योंकि जब बहुत दिन तक बारिश होती तब होता है ऐसा लैंडस्लाइड। तो और जो बादल और जो ब्यूटी होती है ना मानसून की, वो बेस्ट होती है उस टाइम में। अच्छा, अभी आप 5-5 किलोमीटर, अभी केदारनाथ में 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है, और तब आपके दर्शन ऐसे होंगे जैसे कि आप आराम से टाइम देके करेंगे, पैसे भी कम लगेंगे। जो रूम 800 रुपए का होता है बजट रूम गुप्तकाशी में ऑफ सीजन में, सीजन में उसके रेट 2000 से 2500 होते हैं। 90% होटल वालों ने उसी रेट में बेचे हुए, पहले से प्री बुकिंग है। अभी खबर आ रही है कि 12,000 रुपए का रूम जा रहा है। वो रूम है किसी की कैंसिलेशन आ गई या कुछ रूम खाली रह गए, तो जो 800 वाला ऑफ सीजन का रूम है, सीजन का 2000 वाला है, वो 12,000 में जा रहा है। हालांकि होटल वाला कोई खुशी से नहीं करता है। होटल वाले के पास अगर 20 कमरे हैं तो वो यही चाहता है कि मेरे 20 कमरे रोज के लगे रहे। अब आप सोचिए, उसके 20 कमरे लगे हैं और 400 आदमी उसके दरवाजे से बाहर जा रहे हैं, वो कोई खुश छोड़ना होगा, वो भी दुखी होगा बहुत ज्यादा। वो तो चाहता है 365 दिन मेरे कमरे लगे रहे। अब ये जो ट्रेंड है लोगों का कि जी मई में चले जाना है, तो मई तो पूरा सोल्ड आउट, उसके 20 कमरे 20 भर गए, जुलाई में उसके कमरे खाली है क्योंकि कोई नहीं जा रहा। और सिर्फ ये भ्रांति है कि भाई पहाड़ पे बारिश में नहीं जाना। हमारे इंडिया की करोड़ों की आबादी पहाड़ पे रहती है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल, इतने सारे राज्य हैं जो, तो क्या वो अपनी दिनचर्या जुलाई में बंद कर देते हैं? क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते, कि ये लोग ऑफिस नहीं जाते, कि लोग ट्रैवल नहीं करते? अब आप सोचो कि जो हिमाचल रोडवेज या उत्तराखंड रोडवेज का ड्राइवर है, उसका तो काम ही है रोज पहाड़ पे गाड़ी चलाना, वो भी सुरक्षित रहता है? तो ये बिल्कुल आप सोच हटा दीजिए कि हमें मानसून में ट्रैवल नहीं करना है। मानसून में ट्रैवल करना भी उतना ही सेफ है जितना आज। आज की डेट में आप मानसून से बच के जा रहे हैं, पहली बात तो पहाड़ पे कभी बारिश हो सकती है। मैंने अभी चार धाम कंप्लीट किए हैं यात्रा शुरू होने के पहले, होटल मार्केटिंग के चलते। मेरे वीडियो मेरे चैनल पे है। 24 अप्रैल के आसपास मैं गुप्तकाशी में गौरीकुंड में था, उस दिन स्नोफॉल हुआ था केदारनाथ में, बारिश भी हुई थी। जब मैं गंगोत्री गया तो बारिश अच्छी खासी हो रही थी अप्रैल में। तो बारिश आप नहीं अंदाजा लगा सकते पहाड़ पे कब होगी। निगेटिव इम्पैक्ट क्या है? आप 3 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े हैं, पहली बात तो आपने पैसे भी बहुत खर्च किए, खाने का सामान भी नहीं मिल रहा है, तकलीफ में है, और भी तो चीजें हो सकती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी की शुगर कम हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो परेशानी आने की बहुत सारी चीजें होती है, केवल बारिश एक परेशानी नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि आप सोचो, जब आप लाइन, केदारनाथ जी के सब संतान है, आप लाइन में खड़े होकर परेशान,
तो केदारनाथ जी भोले बाबा खुश तो नहीं हो रहे होंगे, जब आपका बच्चा तकलीफ में होता है तो आपको भी तो कितनी तकलीफ होती है। तो सिर्फ एक जरा सा एक साइकोलॉजिकल है कि जी हमें मई में कंप्लीट कर लेना। एक तो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, क्योंकि मैं इस बिजनेस में हूँ, मैं खुद होटेलियर हूँ, 2013 के बाद से एक दो साल तो डाउन रहा, फिर यही ट्रेंड था कि भाई 15 जून के पहले कर लेना है, क्योंकि 17 जून को आपदा आई थी, उसके बाद एकदम होटल खाली हो जाते हैं। तो ये चीज फिक्स नहीं है। अब आज मैं, ये मेरे ख्याल से 10 मई है आज, और आज मैं न्यूज में देख रहा था कि उड़ीसा में एक असीन या ऐसा कुछ नाम का तूफान आ रहा है। अब उस आपदा का आप क्या करोगे? वो जो बेचारे कोस्ट पे हैं, जो तटवर्ती इलाकों में रह रहे हैं, वो तो कहीं आपदा में जा भी नहीं रहे, आपदा उनके घर पे आ रही है और उनको नुकसान कर जाती है। तो आपदा से हम नहीं बच सकते, समझदारी रख सकते हैं। तो आप ये आकलन मत लगाइए कि हमें बारिश में नहीं जाना है। अगर आप जाओगे तो पहली बात तो आपके पैसे कम खर्च होंगे, सरकार भी खुश है, आप भी खुश हो, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट को जो इंतजाम करने पड़ रहे होंगे ना, ये उनसे ही पूछो, क्योंकि अब 12,000 लोगों को गवर्नमेंट ने परमिट दिया है ऊपर जाने का, 20,000 लोग पहुंच जाते हैं गुप्तकाशी में, ऊपर चढ़ने की परमिशन नहीं मिलती, रुकने की जगह कहां से आएगी, सारे होटल सोल्ड आउट पड़े। केदारनाथ में भी ऊपर पहुंच गए, जगह भर गई, सुनने में आ रहा है कि अलाव के जला के खुले में सोना पड़ रहा है। तो ये चीज है कि आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। चार धाम यात्रा दो तरीके से भी होती है, दो धाम, तो देखिए यमुनोत्री गंगोत्री में कोई दिक्कत नहीं आ रही, रूम मिल रहे हैं। अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं तो यमुनोत्री गंगोत्री पहले कवर कर लीजिए, क्योंकि यात्रा हमेशा क्लॉकवाइज होती है हिंदू धर्म में, जैसे कि हम मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं तो क्लॉकवाइज करते हैं, यात्रा भी पहले यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ इस तरह से की जाती है। तो आप पहले यमुनोत्री गंगोत्री कर लीजिए, बाद में, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा रश केदारनाथ में। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि पहले बद्रीनाथ कर लीजिए फिर केदारनाथ कर लीजिए, क्योंकि करना तो पहले केदारनाथ ही होगा बद्रीनाथ के पहले। हम उतना नहीं डरते जितना हमारे परिवार वाले हमारे लिए डरते हैं, जाहिर सी बात है। मैं आप लोग को इतना ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन मेरा बच्चा जाने के लिए बोलेगा मैं भी डरूंगा। अभी मेरे बच्चे ने कहा मैं स्कूल साइकिल से जाऊंगा अगले साल, मैंने नहीं नहीं जाना है। बोला आप मना कर रहे हो, मम्मा भी मना कर रही हैं, बाकी मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने हाँ कर दिया। मैंने चलो तब की तब देखेंगे, बोला यही बात मम्मा ने बोली, मैंने चलो तब देखेंगे तुम अगले साल करो। तो गाजियाबाद में ही मुझे डर लग रहा है कि साइकिल से जाएगा, तो पहाड़ नहीं, डर तो कहीं भी लगता है पेरेंट्स को। तो अभी ये बात मैंने, अच्छा मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जाओ जुलाई में, मैं खुद भी जुलाई में जाऊंगा केदारनाथ, दर्शन मुझे भी करने हैं, लेकिन इस टाइम पे भीड़ इतनी है तो मैं जुलाई में जाऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे जुलाई में वीडियो। अब ये बात मैंने बोली है, मेरी मम्मी का सबसे पहले फोन आएगा, तुम जुलाई में क्यों जा रहे हो? ठीक है, तो पेरेंट्स परिवार वाले तो डरते ही है, कहीं भी, सिर्फ पहाड़ पर नहीं डरते, आप कहीं जाओगे उनको हमेशा आपकी फिक्र होती है तो डरते हैं, लेकिन ऐसा खतरा नहीं। आप थोड़ा सा सोचो, अगर आप पहाड़ की बात करोगे केदारनाथ, तो ऋषिकेश से पहाड़ शुरू हो जाता है, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, उखीमठ, गुप्तकाशी, इतने सारे पहाड़ पे करोड़ों की आबादी है और रोज चल रहे हैं। जो जुलाई के महीने में किसी को सरकारी काम से आना है, किसी को अपने पर्सनल काम से आना है, अगर किसी को दिल्ली जाना है तो पहाड़ पे चल के ही तो उनको आना है। तो वो जो पहाड़ के लोग हैं वो डरते हैं इस बात। अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मासिनराम और चेरापूंजी में, पहाड़ पे ही तो है मेघालय, वहां तो बारिश ही बारिश होती रहती है। तो क्या वहां के लोग घर से बाहर नहीं निकलते? निकलते हैं, सारे काम करते हैं। उनको बारिश से डर नहीं लगता, उनको पहाड़ से डर नहीं लगता, उनको डर लगता है ये देख के हाईवे पे जब गाड़ी 120 की स्पीड में भाग रही होती है, वो सोचते हैं इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है, टक्कर ना हो जाए। हर आदमी का डर का अलग सोचना होता है। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि आप पहले, अगर आपने बुकिंग नहीं करी है तो आप आगे बढ़ा दो। अगर आपको अभी भी बारिश से डर लग रहा है तो आप सितंबर में बना लो, सितंबर अक्टूबर में बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं, मौसम बहुत बढ़िया होता है, बारिश भी नहीं होती। हालांकि बारिश तो देखिए कभी भी होती है, कल भी हो सकती है बारिश, मैंने बताया ना अभी बारिश हुई थी जब मैं गया था अप्रैल में। तो आप उस टाइम पे चले जाओ, आपके दर्शन बढ़िया होंगे। दूसरी बात, जो गाड़ियों का रश हो गया है, गाड़ी वाले भी खुश होंगे, होटल वाले भी खुश होंगे, कोई नहीं चाहता जब उसकी गाड़ी बुक हो गई और इतने सारे लोग लौट के जा रहे हैं, तो गाड़ी वाला भी खुश नहीं है, होटल वाला भी खुश नहीं है, उसके रूम भरा हुआ है और लोग लौट के जा रहे हैं, और आप भी खुश नहीं हो, 10 गुने पैसे खर्च कर रहे हो, लाइन में खड़े हो रहे हो। तो मेरा सजेशन है कि आप अभी केदारनाथ यात्रा टाल दें अगर आपने बुकिंग नहीं करी है। जिसकी बुकिंग है वो तो अपना कंटिन्यू करो, हेलीकॉप्टर भी नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, और जुलाई अगस्त में सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आप मौसम का आकलन लगा लो पहली बात, और दूसरी बात अगर खतरा है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आपको जाने नहीं देंगे ऊपर, जब सोनप्रयाग में वहां पे परमिट बनता है वहीं रोक दिया जाएगा, आज खतरा है। तो
सेफ्टी, हमेशा सेफ्टी रखिए, सावधानी रखिए, लेकिन इस धारणा से निकल जाइए कि 17 जून को आपदा आई थी तो आपदा आएगी। आपदा की कोई डेट नहीं होती, आपदा कभी बता के नहीं आती, कहीं पे भी आती है, प्लेन्स पे भी आती है, पहाड़ पे भी आती है, समुद्र के किनारे सुनामी भी आते हैं, सब होता है। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, बढ़िया हो। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, मुझे काफी एक्सपीरियंस। तो अगर 4-5 लोग या 400-500 लोग भी मेरे इस वीडियो से अपनी केदारनाथ यात्रा थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेते हैं, दर्शन भी बहुत अच्छे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि बाबा केदारनाथ भी इससे खुश होंगे कि उनके भक्तों को तकलीफ नहीं हो रही है। तो चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।